हेलो गाइस, स्टूडियो में देखेंगे ये बेवल ब्लॉक का डिज़ाइन कट्टे में कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये टॉप का प्रोफाइल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, और अब इसका प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ। तो हमें इसके डायमेंशन दिए गए 120x50। और ये डिस्टेंस दिया गया है 35 mm। तो अब मैं इसे पैड करूँगा। इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 75 mm। तो इसके बाद अब मैं ये साइड का प्रोफाइल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच पोजिशनिंग करता हूँ, और अब मैं इसका प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ। तो इसे अब मैं कंस्टेंट करूँगा। इसका डायमेंशन हमें 13x35 दिया गया है, ये हो गया 35। तो अब मैं इसे पैड करूँगा। इसका पैड वैल्यू हमें दिया गया है 30 mm। तो इसके बाद हमारा लास्ट में ये ट्रायंगुलर पोर्शन ड्रॉ करना बाकी है। तो मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और उस पर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने इस ट्रायंगुलर प्रोफाइल को डायमेंशन देके कंस्ट्रेन कर लिया है। आप इसके डायमेंशन देख सकते हो। तो अब मैं इसे पॉकेट करूँगा। इसका पॉकेट वैल्यू हो जाएगा अप टू नेक्स्ट, क्योंकि वो थ्रू आउट होल हुआ है। तो इसके साथ ही हमारे पार्ट डिज़ाइन बेवल ब्लॉक का कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।